भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उस तांत्रिक के पास आई और बोली, महाराज, छोटे राजकुमार शादी करने वाले हैं, क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सुनते ही उस तांत्रिक ने ध्यान लगाया तो उसके माथे पे बल पड़ गए। उसने आँखें खोली तो उनमें खून तैर रहा था। तांत्रिक बोला, शादी करने से कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक तभी होगा जब उसकी पत्नी निभाएगी शैतानी रस्में। शैतान बलि लेगा उस घर से, एक और सुहागन की बलि। ये सुन वो औरत तेजी से वहाँ से वापस लौट गई, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़की और उस औरत ने सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए। तभी पेड़ से उल्लुओं की कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए और एक साथ रोने लगे। उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम अब गलती करने लायक बचोगी ही नहीं। और अगले ही पल शैतान ने उस औरत को मौत के घाट उतार दिया और उसका खून पीते हुए बोला, आप बहुत जल्द मिलेगी उस परिवार से एक और बलि। भैरवगढ़ में शैतान को इंतजार था एक नई सुहागन का, तो वही निकी अपने प्रेमी पीयूष के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी थी। लेकिन उसे कहां पता था कि ये बंधन उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। तभी वहाँ कुछ रॉयल गार्ड्स आ पहुँचे और निकी को पता चला कि पीयूष कोई आम इंसान नहीं बल्कि भैरवगढ़ के राज परिवार का छोटा राजकुमार है। उनमें से मुख्य गार्ड बोला, आप दोनों को भैरवगढ़ के महाराज ने बुलाया है। तभी पीयूष सख्त स्वर में बोला, हम भैरवगढ़ अब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन निकी ने उसके फैसले का विरोध करते हुए कहा, हम जाएंगे, मैं बचपन से ही परिवार के प्यार के लिए तरसी हूँ और आज जब मुझे वो मिलने जा रहा है तो तुम मुझे उसे दूर करना चाहते हो। पीयूष पीयूष को न चाहते हुए भी निकी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो मन ही मन बोला, तुम जिस परिवार के पास जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो निकी, वो प्यार और परिवार के नाम पे तुम्हें मजबूर कर देंगे निभाने के लिए शैतानी रस्में। आखिर क्या है भैरवगढ़ में निभाए जाने वाली शैतानी रस्मों का राज? एक प्यारे से परिवार का सपना संजोए निकी को क्या शादी के नाम पर कोई धोखा मिला है? क्या भैरवगढ़ के लोग भगवान की जगह शैतान की पूजा करते हैं? जानने के लिए सुनिए शैतानी रस्में सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।